आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। खबर नोएडा के थाना सेक्टर 39 क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने ओखला ब्रिज पर चेकिंग अभियान चलाया था, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं अधिक जानकारी देते हुए एडिशनल CP लव कुमार ने बताया कि बीते दिनों तीनों बदमाश अलीगढ़ में सुनार की दुकान में लूट को अंजाम दिया था, जिन्हें इनपुट के आधार पर गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लाखों रुपए की ज्वेलरी के साथ 3 अवैध तमंचा भी बरामद किए गए हैं। बीडी के मंडल हो गए, बाकी सामान है इनके सामान वगैरह। तो वैसे में पूरे में देखिए, ये ओखला बैराज के पास हम लोगों की टीम थी, और नॉर्मली क्योंकि इंटर बॉर्डर वाला इलाका है, दो राज्यों का बॉर्डर लगता है, तो चेकिंग वगैरह वहाँ पर अक्सर होती रहती है। आज अभी शाम के समय जब ये 3 लोग संदिग्ध एक बाइक पर नज़र आए, तो हम लोगों की टीम ने इन लोगों को रोकने का प्रयास किया, तो रुकने के बजाय इन लोगों ने वहाँ से अपनी बाइक को भगाया, और उसी क्रम में जो हम लोगों की टीम थी उन्होंने इनको चेज करना शुरू किया। जो अन्य टीमें थी हमारी PCR चौकिंग चार्ज वगैरह, उन लोगों को भी मैसेज कम्युनिकेट किया गया, तो और भी जगहों से घेराबंदी इनकी होनी शुरू हुई। और ये बंदे के किनारे पे ये एक एस्केप रूट है, एक रास्ता है, जहाँ पे इन लोगों ने जब आए तो क्योंकि हमारी टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली थी, तो एक पर्टिकुलर स्थान पर आकर ये लोग उतरने के भागने लगे और इन्होंने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। क्रॉस फायरिंग में जो तीनों बदमाश थे, तीनों मुठभेड़ में घायल हुए हैं और तीनों को अस्पताल भेजा गया है। इनके पास से जो इनकी मोटरसाइकिल थी, उसके अलावा 3 कट्टे जो कि यहाँ मौके पर हैं, उसके अलावा कुछ जिंदा कारतूस, होगा कारतूस बरामद हुए हैं। इन लोगों के पास से एक बैग मिला, एक कुछ जिसमें ज्वेलरी है। अभी हालांकि हम लोगों ने ये देखा नहीं है कि कितनी ज्वेलरी है, बट उसमें जो पीली धातु की चीज़ नज़र आ रही है वो संभवतः ज्वेलरी है। और जब रास्ते में इनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे थे, उस बीच में इनके नाम जो संज्ञान में आए और पता लगा, और जो अभी हाल ही में आप लोगों के संज्ञान में होगा, अलीगढ़ में एक ज्वेलरी शॉप में 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े घुस के और हथियारों के बल पर ज्वेलरी लूटी थी। ये तीनों जो प्रथम दृष्टया इनसे पूछताछ हुई वही लड़के हैं, और इनके पास से ज्वेलरी भी बरामद हुई है। पूरा घटनाक्रम जो CCTV फुटेज में कैद हुआ था, काफ़ी मीडिया ने भी उसको कवरेज किया था, और काफ़ी जघन्य कांड था जो दिन दहाड़े इन्होंने जिसको अंजाम दिया था। बाकी की पूछताछ अभी इन लोगों से की जाएगी, इंटरोगेशन में और जो भी चीज़ें सामने आती हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। बीते दिनों अलीगढ़ में ज्वेलरी शॉप पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों का आज एनकाउंटर हुआ है। इस वक्त हम खड़े हैं नोएडा में। जी हां, नोएडा की बात बताएं तो नोएडा के अंदर 3 अपराधियों को पुलिस के द्वारा मुठभेड़ करके पकड़ा गया है, और अभी जो अपराधी हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। आप मेरे साथ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये तमंचा पड़ा हुआ है, और पीछे एक मोटरसाइकिल है, साथ में पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। इसे गुडवर्क है, ये थाना 39 का गुडवर्क है। दिन दहाड़े हमारी UP पुलिस ठाए ठाए करती है और अपराधियों को पकड़ती है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं रमेश परिहार, नेशन लाइव।